सरकार का काम सबके दिल में जगह बना लिया है, मतलब वोटवा गया ही भाजपा के, दिनेश के सांसद बनाओ थोड़ा लोग भरोसा कह के जाएंगे हमने। भले ही दो साल एक बार जिताए के देख ला, बहुत सबके जितवले बड़ा लोग, तीन साल देख रहा यूनिवर्सिटी से लेके एयरपोर्ट बनवा यहाँ भाजपा बनू ल आजादी अब मिली है आपको, ये देख लीजिए इनका क्या नाम कहा चर्चा अपन राम सूरत सूरत राम है। इनका कहना है कि देश जब से आजाद हुआ आजादी हमें अभी मिली है भाजपा के राज में, तो वोट पक्का दिनेश जी को भाजपा को। चलिए जय आप लोग भी सब लोग ध्यान दें, 23 तारीख के जितावे के हाँ कमल पे बटन दबाए के हमके भेजले हुए हूँ ठीक है कमल पे जितना फोटो खींच लिया 23 तारीख के सवेरे जाके कमल। भैया नमस्ते, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या माहौल चल रहा है आजमगढ़ में? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, बिल्कुल हमारे पक्ष में है सारी लहर सारी हवा, और लोगों के मन में जो विचार है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे लगता है कि पताका लहरा के और फहरा के जाएंगे यहाँ से हम। ये जो दोनों चेहरा सामने कैमरा में हम देख रहे हैं, दोनों सिनेमा में लड़ते रहते हैं, अभी दोनों भाई बन गए हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होती है। अच्छा। अमरीश बाबू ये दो हीरोज के बीच में एक विलेन है। अच्छा। है, तो यहाँ हम लोग सब एक है। और दिनेश जी के साथ कितना झगड़ा होता है पिक्चरों में, बहुत मतलब दिनेश जी को सपोर्ट करने के लिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पहुंच चुकी है आजमगढ़ खड़ी है। सर सर क्या कहेंगे? बड़ी बात है कि सबकी शुभकामनाएं, जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपना जितना हो सके सोशल मीडिया से वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और एक अच्छी बात है कि एक कलाकार को जो प्यार आशीर्वाद देती है जनता, जिससे वो सुपरस्टार बनता है, अब वही अभिनेता नेता बनके उनकी समाज सेवा करना चाहता है, तो ये भी अच्छी बात है। संजय जी आजमगढ़ की धरती में अभी इस पर खड़ा हूँ, बहुत कड़ा टक्कर लग रहा है, आप पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, क्या महिलाओं का या नए लड़कों का आपको रुझान नजर आया? मुझे लग रहा है सबका रुझान है, सब पूरे उत्साह में है, और वो इस बात से टोटली कन्विंस है कि दिनेश जी को इस बार यहाँ से जिताना है, उनमें कहीं कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन एक बट किंतु परंतु कहीं नहीं है, एकदम क्लियर है मतदाता इस बात। अमृत जी आप क्या कहेंगे, आप भी यही रहने वाले हैं? जैसे संजय भैया ने कहा बिल्कुल सच है कि हमारे अखिलेश जी पिछले 3 साल में 2 बार आए, और दिनेश भैया 3 साल में 50 बार रही है, तो ये पूर्ण भरोसा बा कि 2 साल में तो पूरा यही रही है, और 2 साल के बाद आप लोग खुदे कहा कि भैया आप ना छोड़। यहाँ की जनता को क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की जनता को यही कहना चाहता हूँ, मेरा भी घर है, मैं भी इसी जनता के परिवार का हूँ, संजय भैया भी यहीं से है, हम सारे लोग यही बार बार गुजारिश सबसे जाकर डोर टू डोर कर रहे हैं, भैया जात पात को मत लिखो, कमल के फूल के ध्यान में बीजेपी दबाए और दिनेश भैया को लाएं, इसके बाद आप खुद ही कहेंगे कुछ बचेगा ही नहीं, विकास खुद अपने आप बताएगा कि कितने ज़्यादा यहाँ विकास। समझ भैया कहाँ बटन दबिएगा? हाँ कहाँ बटन दबाने का विचार है? भगवा कमल कोई संदेह ही नहीं है। देखिए एक बहुत अच्छी बात है, 20 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश में कहावत थी कि मध्य प्रदेश शुरू सड़क समाप्त, अब आजमगढ़ में ये हो गया है कि आजमगढ़ शुरू सड़क समाप्त, तो विकास होना है, बदलाव ही विकास करवाएगा, तो कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, ये हम सबको समझ में आ रहा है।